यूपी में लगातार हो रही बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार का ये कहना है कि बर्बाद हुए फसलों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जल्द से जल्द किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी। यूपी में इस बार किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। पहले सूखे ने फसल चौपट कर दी और फिर रही सही कसर लेट पहुंची भारी बारिश ने पूरी कर दी। लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की काफी फसल बर्बाद हो चुकी है। इससे अन्नदाता काफी मायूस हैं। वे सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। और हमारे खेतों में बारिश के कारण उसमें खेती नुकसान हुआ है। और मेरे पापा ने कुछ ये धान लगाए थे कि हमारी शादी हो जाए और पढ़ाई हो जाए, उससे कुछ न हो पाया, सब धान खराब हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 33% फसल बर्बाद हुई है। सरकार का कहना है कि बर्बाद हुई फसल का मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना और राजस्व विभाग से इनके नुकसान की भरपाई पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर 23 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना बीमा इस खरीफ के फसल में कराई है। जिन जनपदों के भीतर उनका प्रभावित हुआ है वो उससे उनको कवरेज मिलेगा। जहाँ जिनकी नहीं हुई है वो आपदा निधि से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूखा हो या बाढ़ किसान की जो क्षति होगी उसकी राज्य सरकार जो है वो उसको कंपनसेट करने का काम करेगी।